अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज हम सूरह यासीन का दूसरा हिस्सा आपके सामने पढ़ेंगे, इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और हमने शुरू में जैसे बताया था ना कि सूरह यासीन के छह हिस्से हैं, छह मौजूआत हैं, छह टॉपिक्स हैं, और इससे पहले वाले हिस्से में हमने तीन टॉपिक्स रखे थे ना, और वो तीन टॉपिक्स हमने जो पढ़े थे वो हम आपको नहीं बताएंगे, आप हमें बताएंगे कि कल हमने क्या डिस्कस किया था। और अगर किसी को याद नहीं है कि कल कौन सी तीन टॉपिक्स पर बात हुई थी, तो आप हमारा पिछला पॉडकास्ट दोबारा जाके देखें जिसमें हमने शुरू की सूरह यासीन डिस्कस की। बिल्कुल, ये हमारा चौथा हिस्सा शुरू हो रहा है और ये शुरू इस तरह से हो रहा है कि उन लोगों का तज़किरा है जो सोच नहीं रहे। उससे पहले अल्लाह ताला सुचवाना चाह रहे थे, ये अकल को चैलेंज करने वाली 83 आयात हैं। अल्लाह ताला इसमें हमें चाह रहे हैं कि हम सोचें और सोचकर हम फैसला करें कि हमने अपनी दुनिया के साथ, जिंदगी के साथ क्या करना है और आखिरत में फिर हमें क्या हिस्सा चाहिए। अच्छा, जहां से हम शुरू कर रहे हैं, ये आयत नंबर 44 तक हमने कल पढ़ा है, उससे आगे 45 से शुरू कर रहे हैं और चौथा हिस्सा जो है वो आयत नंबर 64 तक है। तर्जुमा आप पढ़ लीजिए और उस तर्जुमे से जो हमें समझ में आता है वो हम बात कर रहे हैं। यहां पर आपने जिक्र किया कि अकीदा आखिरत का जिक्र है ना, कि जब इनसे कहा जाता है कि अपने उस अंजाम से बचो जो तुमने आगे जाके फेस करना है, तो अल्लाह ताला ने तीन चीजें लिखी हैं जो ये लोग करते हैं। पहली चीज ये करते हैं कि आखिरत पे यकीन नहीं रखते, इसकी नफी करते हैं, अकीदा आखिरत को नहीं मानते, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी की बुनियाद ही गलत हो जाती है। दूसरा काम ये करते हैं कि जब वो कुरान की आयात आती है उनके पास, आयत नंबर 46 में लिखा हुआ है, तो ये इसकी तरफ इल्तफात नहीं करते, कानू अनहा मुअरिज़ीन, एराज करते हैं, पीछे डाल देते, इग्नोर करते हैं, सुनते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। और तीसरी चीज जो यहां पर है वो ये है कि अल्लाह ताला ने उनको जो रिस्क दिया है, जो खैरख्वाही मुसलमानों के साथ, दूसरे मुसलमानों के साथ, ये लोगों के साथ होनी चाहिए, उनसे कहा जाता है खिलाओ, तो वो कहते हैं कि हम क्यों खिलाएं, अगर अल्लाह ने खिलाना है तो वो खिला लेता। यानी इन्फाक से गुरेज करते हैं, माल बांटने से गुरेज करते हैं, ये भी दुनिया परस्ती की शक्ल है। अल्लाह ताला ने ये भी जिहाद में, अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है, तकरीबन कुरान हकीम में तकरीबन हर सूरत के अंदर मौजूद है कि जहां पर अल्लाह ताला ने जान के हवाले से बात की है कि अल्लाह की राह में जान लगाओ, और वहीं पर अल्लाह ताला ने माल लगाने का भी हुक्म दिया है, तरगीब दी है, और इसके बहुत सारे फिर अल्लाह ताला ने अजर व सवाब भी बयान फरमाए हैं। बिल्कुल, और सूरह सफ़, जब हम आप सूरह सफ़ वाला पॉडकास्ट देखेंगे तो उसमें भी आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने जान के साथ साथ माल भी मांगा है। जी, और रमजान मुबारक के महीने में तो हमने अपने इस्तकबाले रमजान में भी ये तذکرہ किया था ना कि अल्लाह ताला ने एक के बदले में 10 नेकियां, 7 के बदले में 700 तक गुना का इजाफा फरमाया है कि जो एक खर्च करेगा उसको अल्लाह ताला 700 गुना तक भी मजीद देगा बढ़ाकर। अच्छा, इसके बाद फिर मंजर कशी की गई है आखिरत की, यानी कयामत के दिन की, जहां से फिर आखिरत का सफर शुरू होता है। और वहां पे फरमाया कि ये हालात ये होंगे, इसमें बहुत सारी आपको हदीसें भी मिलती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोग रास्तों में चल रहे होंगे, बाजारों में खरीदो फरोख्त कर रहे होंगे, अपनी मजलिसों में बैठ के गुफ्तगू कर रहे होंगे, कि अचानक सूर फूंका जाएगा, किसी ने कपड़े पे हाथ रखा होगा और वो हाथ उठाने की भी नौबत नहीं आएगी, कोई निवाला मुंह में लेके जा रहा होगा, निवाला नहीं पहुंचेगा, और एक सूर होगा और सबके सब जो है वो बेहोश हो जाएंगे। पहला जब फूंका जाएगा तो सबके सब घबराहट घबरा जाएंगे, और दूसरा जब फूंका जाएगा तो सबके सब वहीं पर खत्म हो जाएंगे, और तीसरा जब फूंका जाएगा तो वो जिंदा होकर अपने रब के सामने हाजिर हो जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला की रिवायत है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसराफील सूर पर मुंह रखे अर्श की तरफ देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें हुक्म होता है और वो फूंक मार दें। ये सूर तीन दफा फूंका जाएगा, पहला नफ़तुल फ़ज़ा, जो आसमान और जमीन की सारी मखलूक को सहमा देगा, एक दहशत तारी हो जाएगी इससे। फिर दूसरा है नफ़त और साक, जिसे सुनते ही सबके सब हलाक होकर गिर जाएंगे। फिर अल्लाह वाहिद समद के सिवा कोई बाकी नहीं रहेगा, जमीन बदलकर कुछ से कुछ कर दी जाएगी, इसे उकाजी बिसात की तरह ऐसे सपाट कर दिया जाएगा, ऐसे फ्लैट कर दिया जाएगा कि कोई सिलवट, कोई चीज इसके ऊपर बाकी नहीं रहेगी। फिर अल्लाह अपने खल्क को एक झिड़की देगा, जिसे सुनते ही हर शख्स जिस जगह मर के गिरा था उसी बदली हुई जमीन पर वहीं पर दोबारा खड़ा हो जाएगा, और ये नफ़तुल क़यामु लिरब्बिल आलमीन, और सब पूरी की पूरी मखलूकात, उनकी नस्लें अल्लाह की तरफ भागेंगी, दौड़ेंगी और क्या कह रही होंगी कि अरे ये किसने हमें हमारी ख्वाब गाहों से उठा दिया। ऐसा लगता है ना जब हम ये सारे पढ़ते हैं, मैं बाज़फ़ा ये सोचती हूँ कि हम कहाँ होंगे उस वक्त, जमीन के किसी कोने में, किसी अंदर, किसी कब्र में, मैं, मेरा खानदान, और एक एक अपनी अपनी कब्रों से उठ के आ रहे होंगे और जमा हो रहे होंगे कि चलो अब आ गया जवाबदेही का वक्त। बिल्कुल, और वो कुफार और मुशरिकीन जो हम वक्त ये कहते रहते थे कि ये बोसीदा हड्डियां,
इनको अल्लाह ताला जिंदा करेंगे, कैसे जिंदा करेंगे, भला कैसे इंसान दोबारा जी खड़ा होगा। तो अल्लाह ताला कितनी वसाहत के साथ यहाँ पर एक एक लम्हा बता रहे हैं, बयान फरमा रहे हैं कि ऐसा होगा पहले, फिर ऐसा होगा और फिर ऐसा होगा। हमारे लिए समझना तो बड़ा आसान है ना, तो डीएनए का दौर है, हमें तो पता है कि बस यू से यू दोबारा खड़ा कर दिया जाएगा। और फिर फरमाया कि आज कोई जुल्म नहीं होगा, जो करके आए हो, जो वहां पे इन्वेस्ट किया है, आयत नंबर 54 में इसका जिक्र है कि वला तुजाउन इल्ला मा कुंतुम तअमलून, जो तुमने वहां पे किया था आज उसकी जजा लेगा। बिल्कुल, कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, जो कमाया है वही वहां पर फिर इस देखा जाएगा। ना आपको खौफ ज्यादा महसूस होता है या उम्मीद ज्यादा महसूस होती है? देखिए, उनको उम्मीद है जिन्होंने जिंदगी भी अपनी उम्मीद के साथ गुजारी है, और जिनकी निगाह अपने गुनाहों पर, अपनी नाफरमानियों पर रही है, और उन्होंने अपने रब से माफी भी मांगी है, तौबा भी की है और पलट भी आए हैं। मुझे लगता है उम्मीद के साथ ही उन्होंने जिंदगी गुजारी है, और इसी उम्मीद को लेकर जब रब के सामने वो हाजिर होंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मायूस करने वाला ना होगा। अल्लाह ताला वैसे ही है जैसे बंदा उससे उम्मीद लगाता है। और उसके बाद फिर जन्नती लोगों का मजेदार मजेदार सा जिक्र है, जो जो उनको मिलेगा, घने साए हैं, तकिए हैं, जो तलब करे वो है, और सबसे ज्यादा ये सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, सबसे खूबसूरत ये बात है। और वहां पर फर्नीचर का भी जिक्र है ना जी, के तकिए लगाए अपने सोने के तारों से बने हुए तख्तों के ऊपर, वो आराम फरमा रहे होंगे, सकून ले रहे होंगे, और आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसा है ना जैसे कोई पार्टी का माहौल होता है, बिल्कुल एक पिकनिक की फिजा लग रही है ना, साया, घने दरख्त, तकिए, मसनदे, लजीज खाने पीने की चीजें, एक फुल एंजॉयमेंट का माहौल है। अच्छा, मनपसंद लोग भी होंगे, यानी कि स्पाउसेस भी होंगे, बच्चे भी अपने होंगे, जिन जिनको वो चाहते होंगे वो उनके साथ वहां पर होंगे। वहां पर वो कोई गलत बात ना सुनेंगे, कोई नागवार बात नहीं सुनेंगे, कोई ऐसी उसके उनके सामने कोई ऐसी दिल तोड़ने वाली या परेशान करने वाली कोई चीज, कोई वाकया पेश नहीं आएगा। इसको मजीद समझने के लिए आप कुरान की दूसरी सूरतें उठाएंगे तो इसकी मजीद वजाहत बहुत सारी जगह पे मिलती है, और भी बहुत सारे इनाम मिलते हैं। फिर उसके बाद जिक्र किया मुजरिमों का, यानी पहले तो जन्नत वालों को साइड तो गए ना, वो तो गए, वो उनको तो अलग कर दिया। अब जो बाकी बचे हैं उनसे फरमाया जा रहा है, ए मुजरिमों, आज हट के अलग हो जाओ। अच्छा, यहाँ पर लगता है कि अल्लाह ताला ने ना जहाँ पहले जिक्र फरमाया कि कब्रों से उठाए जाएंगे, इस तरह से वो दौड़ते और भागते हुए फिर हशर के मैदान में जमा हो जाएंगे, यूं लग रहा है कि अल्लाह ताला ने वहां पर एक पोज दे दिया और जन्नतियों का तस्करा फरमा दिया, उनके मजों का तस्करा फरमा दिया, फिर अल्लाह ताला वहीं से सिलसिला कलाम जोड़ रहे हैं। अच्छा, मेरे जहन में यहाँ पे ये आता है कि पहले अल्लाह ताला ने वो अच्छे वाले बच्चे अलग कर लिए, और उसके बाद वो क्लास में सूरत हाल होती है ना, छुट्टी हो गई है, तुम तो जाओ, अच्छे अच्छे वाले चले गए, और बाकियों को रोक लिया कि नहीं अभी आपने घर नहीं जाना। तो वो जो एक दिल की कैफियत मुझे आज भी याद है, स्कूल में होती थी कि अच्छा हमें क्यों रोक लिया, या फिर असेंबली में जो निकाला जाता है जब लाइन जा रही हो और आपको अलग कर लिया जाए, तो कितना इंसान सहम जाता है ना। एक तो इंसल्ट तो होती ही होती है, लेकिन आगे क्या होने वाला है। बिल्कुल, वही कैफियत उस वक्त होगी। तो अल्लाह ताला अब मुखातिब हो रहे हैं मुजरिमों की तरफ रुख करके, पहले उनसे कहा गया कि छटो, अलग हो जाओ, वमताज़ुल यौमा, अलग से इम्तियाज, अलग से प्रोमिनेंट कर दिया। और उसके बाद मैंने तुम्हें हिदायत नहीं दी थी क्या कि शैतान की बंदगी ना करो। अच्छा, बंदगी का लफ्ज आए इबादत का, अल्लाह ताबुदु शैतान, हम इबादत नहीं करते शैतान की, लेकिन बंदगी का देखे ना दूसरा मफहूम क्या है, गुलामी। हाँ, गुलामी तो करते हैं ना, यानी कि पीछे चलना, उसकी मानना, वो जो कहता है वैसा करना, वैसा तो कहते हैं ना, चाहे हम शौरी तौर पर उसका इंकार ही कर रहे हो, यानी कि चाहे हम जुबान से उसका इंकार ही कर रहे हो, लेकिन हम लाशौरी तौर पर, गैर शौरी तौर पर तो वही सारा कुछ कर रहे होते। बंदगी करना तो यही हुआ ना कि आपने किसके आगे अपने सरेंडर कर दिया है, किसके पीछे आप चल रहे हैं, फिर ये बंदगी आप कभी शैतान की, कभी माशरे की, कभी हुक्मरानों की, कभी अपनी भी करना शुरू हो जाते हैं, नफ्स की, नफ्स की गुलामी। बिल्कुल। और उसके बाद जो फरमाया वा अने अबुदूनी, इबादत करो सिर्फ मेरी, हाजा सिरात व मुस्तकीम, ये एक काम करना था पूरी जिंदगी में। पीछे कायनात की निशानी आपको याद है, हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, कायनात की सारी चीजें तुम्हारे लिए, तुम्हें एक काम करना है, वने अबुदूनी। अच्छा, इसका मरकजी मजमून भी यही लग रहा है कि अल्लाह ताला ने इतना सिंपल तरीके से बता दिया, दो ही इसमें हरूफ में वने अबुदूनी, अल्लाह ताला ने दो ही इसमें बता दिया कि मेरी बंदगी करो। और हाजा सिरात मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। और सिरात मुस्तकीम पर मजीद सुनने के लिए आप हमारा पहला पॉडकास्ट जो हमने सूरह फातिहा पे डिस्कशन किया था उसको जरूर सुनिएगा। और उसके बाद फिर जहन्नुम का जिक्र किया गया कि देखो ये है जहन्नुम जिसे डराया जाता था, और उसके बाद ये कि आज होगा क्या। अच्छा, सारे लोग जमा हो गए, आ गए, अलग हो गए, अब पूछना है। अब इंसान की जो कैफियत होती है ना जमीन, हमारे साथ क्या होता है कि हम बहुत सारी अपने हक में ना बातें बना सकते हैं,
यानी कोई मुझसे कहेगा क्यों कह मैं भाई इस वजह से इसने ये किया था तो मैंने ये किया, ये रिएक्शन था, ये हालात थे। अपनी सफाइयां हर इंसान के पास होती हैं और बड़े दलायल होते हैं हमारे पास अपनी सफाइयां पेश करने के लिए, और हम हर नाफरमानी करते हुए अपने दिल को भी ये तसल्लियां देते रहते हैं, अपने जमीर को भी इसी तरह सुलाते रहते हैं कि नहीं नहीं इसकी तो ये वजह बनती है, इसका तो ये रीजन हुआ, मुझे तो करना पड़ ही गया, मैं तो मजबूर थी। ये सारी चीजें हम अपने खुद को ही सुना रहे होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक हिस्सा फिर हमने मुकम्मल किया और पांचवें हिस्से को हम शुरू करें आयत नंबर 65 से। और पहली ही आयत जो है वो ये है कि आज हम इनके मुंह बंद कर देते हैं, नहीं चाहिए तकरीरें, नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशंस, नहीं चाहिए बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ डेटा चाहिए क्या करके आए हो, उसके लिए तुम्हारे हाथ बोलेंगे, पांव बोलेंगे, हमें पता चल जाएगा क्या करके आए। और अल्लाह ताला की सिफत है ना अल अजीज, तो यहां पर उसका मुजाहरा हो रहा है कि अल्लाह ताला कैसे मुंह बंद कर देंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से पार्ट्स बोलेंगे इंसान के जिस्म के कि वो क्या करता रहा है। बिल्कुल। और फिर यही जिक्र किया कि हम चाहें, अगर अल्लाह चाहे तो ना आगे बढ़ सकते हैं ना पीछे हट सकते हैं, ना रास्ता नजर आएगा, अपनी ही जगह अल्लाह मस्त कर दे। और अल्लाह के अख्तियारात और हमारी बेकुदरती, कुछ नहीं है हमारे अख्तियार में, जितना कुछ हम करते हैं वो इसी वजह से कि अल्लाह ने अभी हमें ना पकड़ने का फैसला किया। और कितनी बेबसी की तस्वीर है ना कि किसी की आंखों का नूर अल्लाह ताला अगर चाहे तो एकदम ले सकता है। और सूरह बकरा के अंदर भी अल्लाह ताला ने शुरू में जो तमसील दी थी ना वो यही थी ना कि अगर अल्लाह चाहे तो उनका उचक ले, नूरे बसारत उनका उचक ले जाए। और यहाँ पर दूसरी बात जो मसख करने वाली सूरतें रखा है, ये भी कितनी एक मायूसी की और कितनी एक सोचा जाए तो खौफनाक तरीन सूरत हाल है कि चेहरे ही बिगड़ जाए। ये जो पांचवा हिस्सा है ना, ये है तो थोड़ी सी आयात, ये आयत नंबर 64 से लेकर 68 तक है, लेकिन इन चंद आयात में इंसान की बेबसी और इंसान की जिंदगी के नॉर्मल चलने में भी अल्लाह ताला की रहमत, और ये बात कि जब अल्लाह ये मोहलत लेना चाहेगा तो एक सेकंड भी नहीं लगेगा, खुदा ना खासा कोई बीमारी डायग्नोज हो जाए, हम रिपोर्ट लेके घर पहुंचेंगे, हमारी जिंदगी बदल चुकी होगी, खुदा ना खासा कोई अचानक सडन पेन शुरू हो जाए, आपकी जिंदगी का नक्शा चेंज हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अभी हमने टर्की का जो जलजला देखा, पूरी वो चेंज हो गई ना, लोगों की जिंदगियां बदल गई ना। तो अल्लाह ताला अगर जमीन में बसने दे रहा है, आफियत के दा दे रहा है, आज मौका है, तो वो उसकी रहमत है कि वो मजीद हमें रहने बसने और नेकी पे चलने का मौका दे रहा है। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जरा अपने जिस्म जान की तरफ देखो, अपनी जिंदगियों की तरफ देखो, कैसे अल्लाह ताला ने बच्चा था तो कैसा वो बिल्कुल एक कमजोर सा बच्चा था, और फिर अल्लाह ताला ने उसको ताकत दी, फिर सारी जिंदगी फतेह करने वाला उसके अंदर वो ताकत और कुव्वत अपने अंदर महसूस करता था, फिर किस तरह से अल्लाह ताला ने उसको बूढ़ा कर दिया, लंबी उम्र दे के ना अल्लाह ताला ने उल्टा दिया, जो शायद के अंदर जिक्र है, साफ उल्टा दी, बिल्कुल, बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, खाना नहीं आता था, वो सारी चीजें हासिल करते 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 वो इस ताकत पे पहुंचा, जवानी का जो जिक्र है कि बड़ा जोम बड़ी ताकत, और फिर अल्लाह ताला सामने सामने दिखाते हैं कि वो सारी चीजें वापस होना शुरू हो जाती है। जैसे बच्चा होता है तो आपने ये नोट किया होगा ना कि वो हमेशा ऊपर की तरफ देखता रहता है, क्योंकि वो छोटा होता है, उसके साथ बड़े बड़े लोग होते हैं, वो ऊपर देख रहा होता है, क्योंकि उसको जाना भी ऊपर ही होता है, उसकी बुलंदी का दौर होता है कि वो बुलंद जा रहा होता है। और जब बूढ़ा होता चला जाता है वो ज्यादातर जमीन की जानिब झुकता भी चला जाता है, और उसकी निगाहें भी ज्यादातर जमीन ही की जानिब रहती हैं कि अब उसका डाउनफॉल हो गया, अब उसे जमीन में जाना। और ये हम रोजाना देखते हैं, अपने आसपास देख रहे हैं, इवन हम अपने पेरेंट्स को देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं कि हमारी स्किन चेंज हो रही है, हमारी याददाश्त बदल रही है, हमारे जिस्म की ताकत बदल रही है, ये वो चीजें हैं जो आप रोजाना मुशाहदा करते हैं, ये कोई दूर जाना नहीं है इसको समझ। और जितनी सलाहियतें होती हैं, जितनी इंटेलिजेंस होती है, सारी की सारी आहिस्ता आहिस्ता जीरो पर आने शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद फिर हम यहाँ पे हमने ये एक मौजूद के अंदर ये आया था, और अब हम इसके ऊपर आ रहे हैं अपने आखिरी हिस्से के ऊपर, सिक्स पार्ट के ऊपर। और ये आखिरी हिस्सा जो है ये आयत नंबर 66 से लेकर आखिर तक है। इसका बुनियादी मौजू जो है इस पूरी सूरत का कंक्लूजन है, और ये हम देखते ही हैं तमाम आयात में कि जब पूरी बात समझा दी जाती है तो एंड में जाकर उसको कंक्लूड जरूर किया जाता है। और सूरह यासीन के जो बुनियादी मौजू है वो अकीदा आखरत ही है जी, सोचने समझने वाले दिल दिए, और इस तरह यहाँ पर फिर अपनी वही नेमतें याद दिला रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ नेमतें याद दिलाई। यहाँ पर अल्लाह ताला मवेशियों का जिक्र फरमा रहे हैं कि मवेशी दिए, उसका मालिक बनाया, उसे गोश्त भी खाते हो और दीगर भी फवायद उनसे हासिल करते हो। फिर अल्लाह ताला ने मशरूबात दिए, पहले फवाकेह का जिक्र था और अब यहाँ पर मशरूबात का जिक्र है। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं अफला यशकुरून। एक मौजू आपने स्किप किया बीच में, और वो मौजू ये था कि हमने इस नबी को शेर नहीं सिखाया ना, कि शायरी को याद दिलाने का, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो फसाहत,
या वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी रखा गया, ताकि ये बात ना कही जाए कि आप ये चीजें बना लेते हैं। बिल्कुल, ये नबूवत की दलील है। बिल्कुल, जैसे एक जुमला बहुत अहम मुझे लगता है जो इस सूरत को, जब मैं ये पढ़ती हूँ ना कि इस सूरत को अपने मुर्दों पे पढ़ो, तो मुझे इस आयत से समझ आता है, हर उस शख्स को खबरदार कर दे जो जिंदा है। यानी जो जा रहा है ना आपके सामने दुनिया से, आप सूरह यासीन पढ़ के उसको सुना रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी सुना रहे हैं। यानी उसको आप ये कह रहे हैं कि एक दिन इनके हाथ बोलेंगे और इनके जमाने बंद कर दी जाएंगी, अल्लाह ताला चाहता है कि आप सुने कि एक दिन आपके साथ भी ये होने और आप अभी जिंदा हैं। इससे पहले फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व कुरआनुन मुबीन, यानी कि कुरान तो जिक्र है, रिमाइंडर है। बिल्कुल, और रिमाइंडर्स की हमें अपनी जिंदगी में कितनी जरूरत होती है कि हम अपने हर अहम काम के लिए रिमाइंडर्स लगा रहे होते हैं, तो कुरान भी तो एक रिमाइंडर है। और ये वो रिमाइंडर है जिसको आपके साइड टेबल पे होना चाहिए, ना कि ऊपर कहीं बंद, जो मतलब गोटे वाले जुजार में करके हमने इतना ऊपर रख दिया है कि उसको लेना ही मुश्किल हो जाए। अच्छा, जरा अगर हम अपनी जिंदगियों पर थोड़ी सी निगाह दौड़ा लें, तो क्या आज हम ये जायजे ले लें कि रमजान मुबारक के महीने के अलावा कब कब कुरान खोलते हैं हम, और कितना खोल पाते हैं? नियत तो करते हैं, और हर साल जब रमजान जा रहा होता है ना, एक कैफियत होती है कि अच्छा कुरान से कितना अच्छा ताल्लुक रहा और कितना हमने पढ़ लिया, और हम हमेशा सोचते हैं कि ईद के बाद बस ऐसे ही रखना है, लेकिन नहीं हो पाता। और वो जब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपने आप को भी आखिरत पे मुतवज्जो और दुनिया से कुछ दूर नहीं करेंगे। अगर दुनिया में मगन होंगे तो दुनिया आपको वैसे ही अपने अंदर मगन करेगी। और आखिरत का तो ये बहुत अच्छा रिमाइंडर है। बिल्कुल, ये रिमाइंडर है। और जैसे कि अभी आपने मवेशी और उन सारी चीजों का जिक्र कर दिया कि दोबारा से अल्लाह की निशानियों का जिक्र करते हुए फिर ये फरमाया कि ये जो बातें कर रहे हैं ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बातें आपको रंजीदा ना करें। समीना, आपको याद है पहली आयत क्या थी यासीन के बाद? यासीन वल कुरान हकीम, आगे इन्ना कलमनल मुरसलीन। बिल्कुल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वहां नसीहत की गई थी, दरमियान में सारे मौजूआत से गुजर के अब कंक्लूड उसी पे दोबारा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनकी बातों पे रंजीदा ना हो। इनकी तसल्लियां दी जा रही हैं, और ये बिल्कुल एक फितरी चीज है ना कि अगर कोई हमारा बहुत प्यारा है, जिसे बड़ा महबूब है हमारा कोई बंदा, और उसको कोई बहुत सता रहा है, तो हम सताने वाले की तरफ नहीं देखते हैं। जब हम कोई बात उनके दरमियान करना चाहते हैं, उनसे करना चाहते हैं, तो जो तकलीफें दे रहा होता है, जियतें दे रहा होता है, हम उसे कुछ नहीं पहले कहते। सबसे पहले हम अपने महबूब बंदे को कहते हैं, उसे तसल्लियां दे रहे होते हैं, उसे समझा रहे होते हैं कि इनको मैं देख लूंगा, या इनको अभी फिलहाल छोड़ दो और तुम रंजीदा ना हो और तुम परेशान ना हो। अच्छा, सिर्फ यहाँ इस तरह नहीं, अगर आप किसी के पास काउंसलिंग के लिए जाए ना, आप किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास भी जाए, तो वो आपको सबसे पहले यही समझाते हैं कि पूरी दुनिया और उनके रिएक्शन आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में यह है कि आपने चीजों पे कैसे रिएक्ट करना है ना, यहीं से काउंसलिंग शुरू होती है। यहां पे अल्लाह ताला काउंसलिंग कर रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की, कि आप इनकी बातों पे रंजीदा ना हो। और बहुत जगह कुरान में ऐसा ही है कि वो करते हैं वो तो करेंगे, वो करेंगे ना, ये तो होना ही है। बहुत सारे लोग अगर गलत रवैया अख्तियार कर रहे हैं तो वो अपने हिस्से का समेट रहे हैं, मुखातिब किए जाने के काबिल भी नहीं है। बिल्कुल, और आपके हाथ में यह है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका रिएक्शन, आपकी इस्तकामत, आपका डटे रहना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उनको अल्लाह ने जब देखना होगा अल्लाह देख लेगा। और फिर जिक्र किया कि क्या इंसान देखता नहीं है, मैं और आप एक इंसान कहां से उठा के खड़ा किया गया, जर्रे से इंसान बना दिया, और फिर वो भूल जाता है कि वो उसके पास कोई ताकत नहीं थी, दुनिया में था नहीं, जैसे सूरह दहर में है हल तआला इंसानी हैन मिन दहरी लम यकुन शैयम मदकूरा, कोई इंसान काबिल जिक्र चीज तक नहीं था। और बार बार अल्लाह ताला हर सूरत के अंदर मुझे तो लगता है कि तकरीबन अल्लाह ताला ये याद दिला रहे होते हैं कि जरा अपनी पैदाइश पर तो गौर कर लो, थे क्या और कैसे पैदा हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने तुम्हें फिर उठा खड़ा किया है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जब वो ये कहता है कि अच्छा हड्डियों को दोबारा कौन खड़ा करेगा, तो इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले किया था, पहले भी तुम नहीं थे, अल्लाह ले आया था, बाद में भी तुम्हें मार के फिर अल्लाह दोबारा खड़ा कर लेगा। और ये तर्ज अमल था उस वक्त, बार बार जो मुखालफतें कर रहे थे वो इस तरह कर रहे थे, वो करते थे कि वो हड्डियां उठाते थे और उसको बिल्कुल भुरभुरा कर दिखाते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये अल्लाह ताला इन हड्डियों को दोबारा से कैसे जिंदा करेगा। और एक दलील ये भी दी है कि अभी जितनी चीजों का जिक्र किया, आसमान और जमीन का जिक्र किया ना, कि पहले अल्लाह ने बनाए हैं, वो आलिशान चीजें जब अल्लाह ताला बना सकता है, वो इतना माहिर खलाक है, तो तुम्हें पैदा करना क्या मुश्किल है। बिल्कुल परफेक्ट है। हमारी नजरों के सामने मजीद इंसान दुनिया के अंदर आ रहे हैं, और कौन उन्हें पैदा कर रहा है, कौन उनकी एक एक उंगली और एक एक पोर बना रहे हैं, हम देख रहे हैं इसको रोजाना। बिल्कुल, और साइंस और टेक्नोलॉजी और ये हमारा मेडिकल जितनी भी तरक्कियां कर लें, एक उंगली की वाकई पोर क्या बनाना, एक हमारा एक आंख बना देना, एक हमारी पलकों की जो सारी फॉर्मेशन है कि कैसे आंख बंद होती है और कैसे आंख खुलती है और कैसे पलकें उठती और बंद होती हैं,
इस तक की फॉर्मेशन में, बल्कि ये भी मैं एक जगह पढ़ रही थी कि मुस्कुराना, जो मुस्कुराने में कितने सौ और कितने हजार टिश्यूज यूज हो रहे हैं, और आपके जिस्म के हर पार्ट पे आप अलग से स्टडी कर रहे हैं, हर पार्ट के अलग डॉक्टर्स, अलग वो पूरे पूरे डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और पूरी पूरी स्पेशलाइजेशन आप एक एक पार्ट पे कर रहे हैं, और उसी को आप दोबारा जो अपडेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला की वो कुदरत, और उसके बाद इस सूरत की जो आखिरी आयत है वो मुझे भी बहुत प्यारी लगती है और आपको भी लगती होंगी। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो वो क्या कहता है, कुन फायर, हो जाओ, हो जाती है। और यहां से उम्मीद बनती है उन सारी चीजों की जो हम अल्लाह ताला से मांगते हैं। हम अल्लाह के सामने हाथ खड़े करते हैं और हम कहते हैं ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए ना, तो इस यकीन के साथ मांगे अगर वो मेरे हक में बेहतर होगी, जिस दिन अल्लाह ताला मुझे देना चाहेगा वो कहेगा कुन फयकून, वो हो जाएगी। और अल्लाह ताला अपने बेस्ट लोगों को ही ये देते हैं, उनके लिए ही कुन कहते हैं और फिर फयकून हो जाता है। और बेस्ट कैसे बंदा बन सकता है, इन तमाम चीजों को पढ़कर समझकर, अल्लाह के पैगाम को, अल्लाह ताला के अहकामात को, अल्लाह ताला की तालीमात को, फिर उसमें से अपने लिए राहे अमल लेना। और ये भी देखिए ना कि जिन लोगों को ये पढ़ाया जा रहा है, मक्का के अंदर मौजूद, अभी मदीना नहीं गए हैं, अभी इस्लामी रियासत नहीं बनी, अभी कुछ अच्छा बजाहिर नजर नहीं आ रहा, घर छोड़ने पड़ रहे हैं, यहां पर भी ये तसल्ली दी जा रही है कि अभी अल्लाह ने जो तुम्हारे लिए लिखा है वो पेश आ रहा है, और जब अल्लाह इसको बदलना चाहेगा बदल लेगा। ये यकीन, मतलब जिसमें आप अल्लाह ताला के ऊपर मामला छोड़ के इस बात का यकीन रखें कि आज जिस चीज से भी मैं गुजर रही हूं, मुश्किल है, आसानी है, आजमाइश है, बीमारी है, परेशानी है, अल्लाह ताला मुझे इससे गुजार रहा है और इसमें से मैंने अच्छा और खैर समेट लेना है, सब्र करके, शुक्र करके, दुआ करके, तवक्कुल करके। और उसके बाद जो आखिरी लाइन है, फसुभान अल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैही तुरजऊन, इस सूरत में सुभान अल्लाह आखिर में आया है, बहुत सारी सूरतों में सुभान अल्लज़ी शुरू सबाहा युसब्बिहु पहले आता है, और वाकई ये तमाम के तमाम अल्लाह ताला की खलाकियत को पढ़ने के बाद जुबान से खुद ब खुद ही सुभान अल्लाह निकल रहा होता है। और फिर अल्लाह के हाथ में इख्तदार है, अल्लाह ताला की कुव्वत का जिक्र यहाँ पे किया गया और जवाबदेही का जिक्र किया गया, इख्तदार भी उसके पास है, जवाब भी उसको देना है। दरमियान में जो कुछ आ रहा है वो रास्ते के सफर है, वो कोई पत्थरों पे सफर करता है, कोई साफ जमीन पे करता है, जिसके हिस्से में जो रास्ता है उससे गुजर के पहुंचना सबने एक ही जगह है, एक ही जगह जाना है और जवाब देना है। यहाँ पे जो है वो छह हिस्से हमने आपके सामने सूरह यासीन के रखे हैं, ये सूरह यासीन आज यहाँ पर मुकम्मल हुई। अगले पॉडकास्ट में एक नई सूरत के साथ हम इंशाल्लाह ताला आपके सामने मौजूद होंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।